हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस, ये टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो गाइस किसी पर्टिकुलर जगह या फिर पर्टिकुलर घर पर बेस्ड हैं। तो गाइस, इसमें जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो उसी जगह पर कवर करती हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के सीधे लास्ट में। गाइस, ये आ चुके टिप्स नंबर 1 के ऊपर। तो गाइस, आप टिप्स नंबर देख रहे हैं कि पोचिंग में जो गैरेज है, गैरेज के पास में जाला जो घर है, टिप्स नंबर 1 यहाँ पर वर्क करती है। आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार फुल जूम करके। तो गाइस, इसमें टिप्स इसमें क्या है, ट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई बंदा आप रस करता है तो आप सिंपली घर के अंदर चले जाओ, और घर के अंदर जाने के बाद आप इधर से यहाँ पर आ जाओ, और गाइस यहाँ पर आके आप इधर बैठ जाओ या फिर इधर बैठ जाओ, इस बनी भी चढ़ जाओ सबसे पहले। तो ऐसे बैठ जाओ, फिर जिधर बैठना उधर बैठ जाओ। अब किसी बंदे को क्या लगेगा, वो घर के अंदर है, ठीक है ना। वो यहाँ पे आपको प्रेफर करूँगा, आप इस जगह पर बैठो। कोई बंदा जी सोचेगा वो घर के अंदर है, इस वाली खिड़की मतलब छोटी जगह पर है, तो वो आएगा, आप रेस्ट करेगा, और आप सिंपली गाइस मेरा तो कट्टा है, आप उसको फ्री फायर दे के आप मार सकते हैं। आपको लगता है कि बंदा आने वाला है तो आप एकदम इसके अंदर मोली फेंक दो या बम फेंक दो, कुछ भी फेंक दो, तो आप इस तरीके से उसको आराम से टेक डाउन कर सकते हो, ठीक है गाइस। इसे आपको इस क्या बोलते हैं, इसे गैरेज का आपको इस्तेमाल करना है, और आप आराम से उसको टेक डाउन कर सकते हो। ओके गाइस, अब चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। हाँ, तो गाइस टिप्स नंबर 2 में ये है कि आप वाले घर देख रहे हैं, ये टिप्स नंबर 2 है, वो यहाँ पर वर्क करती है इस वाले घर के ऊपर। तो गाइस, अगर इस घर में ऊपर साइड या फिर नीचे साइड का कोई बंदा है तो आपको उसको सिंपली टिक डाउन कैसे करना है आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जगह देख लीजिए फुल जूम करके, ये गटका के पास जो घर पड़ते हैं इस जगह पर वर्क करती है। अगर शायद इस वाले घर में ऊपर कोई बंदा है तो आपको दिखाता हूँ उसको आराम से कैसे मार सकते हो। सबसे पहले गाइस, आपको इधर आना है, इन कंटेनर चढ़ना है डिब्बे यहीं से। इस डिब्बे से आपको लैच ग्रैब का फीचर यूज़ करके, अरे रुक जाओ गाइस, डिब्बे से लैच ग्रैब का फीचर यूज़ करके आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है और क्रैश कर लेना है। तो आप देखिए गाइस, आपको पूरा ऊपर का व्यू दिखाई देगा, और बंदा सोचेगा इसके पीछे टीपी भी ले रहा है, नीचे टीपी भी ले रहा है। आप गाइस आराम से उसको मार सकते हो ऊपर से ही, ठीक है ना, बिल्कुल ईजीली। और आपके अगर बम या मोली हो तो बहुत आराम से डाल सकते हैं। आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर आई बटन का यूज़ करके या फिर सादा भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से डाल सकते हो, और बिल्कुल गाइस उसको पता भी नहीं चलेगा इसने एग्जैक्ट उसने बम यहाँ पर मोली कैसे करी, ठीक है गाइस। आई होप सो गाइस आपको जल्दी ये वाला ट्रिक्स पसंद आया। अब चलते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। हाँ, तो गाइस आ चुके हैं अपने टिप्स नंबर 3 की तरफ। गाइस, टिप्स नंबर 3 में कुछ ऐसा आपको सबसे आपको गटका आना, गटका आपने देखा ही होगा, फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार ये की लोकेशन, ठीक है गाइस। और गाइस, आपको जो कंटेनर दिख रहे हैं इन्होंने कंटेनर चढ़ना है। इस कंटेनर चढ़ने के बाद आपको लेजर का फीचर यूज़ करके इस पर आ जाना है। अब गाइस यहाँ से देखा व्यू देखिए गाइस, आपको सामने वाली खिड़की में देखिए नीचे तक का व्यू दिखाई दे रहा है। आप गाइस सिंपली यहाँ से बम नेड यहाँ तक की बंदूक का इस्तेमाल करके आराम से बंदे को मार सकते हैं, क्राउच करा हुआ है या फिर कोई एंगल ले रहा है किधर भी। और यहाँ पर आप गाइस कुछ भी, जब बम मोली नेड़ फेड़ कुछ भी करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते हैं, चाहे इस वाले घर में करना हो चाहे आज सामने वाले घर में करना हो, ठीक है ना गाइस। अदरवाइज स्टेशन में फोन आपको साले घर में आना है। और गाइस, अगर आपके घर में रस होता है या फिर आपके एनिमी आ जाते हैं नीचे वाले फ्लोर पे, आप सोलो या फिर आपकी टीम स्क्वाड है और आप ऊपर फंसे हुए हो, नीचे वाले स्क्वाड रस कर देते हैं, आप उनका एक बंदा नॉक कर देते हैं या नहीं भी नॉक करते, और आपको उल्टा पुश मारना है इसी फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर। तो आपको गाइस इस वाली रेलिंग पर आना है इधर, और गाइस यहाँ से रेलिंग पर थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर आपको गाइस सीधे भागना है, और आप इधर सिंपली इधर आ जाओगे। और गाइस यहाँ से एक और एंगल देखिए आप, यहाँ से गाइस आपको पूरा अंदर का एंगल दिखेगा। अगर आपके पास बम वगैरह आए तो गाइस बम फेंक दीजिए, एक गारंटी दे रहा हूँ, अगर आगे कोई बंदा होगा ना तो वो नॉक हो जाएगा इस पूरी बिल्डिंग का, सामने अगर कोई बंदा होगा। और इसी में एक फ़ायदा की बात ये है कि रुको मैं आपको भी दिखाता हूँ, और यहाँ से आप सिंपली वापस भी आ सकते हो। बंदा बंदा अगर मारा मारी हो चुकी है, बसड़ पड़ गई है, और अगर गाइस आप यहाँ पर नहीं भी आ पाते, अगर ऐसे बाई चांस नहीं भी चढ़ पाते ना, तो गाइस आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली इधर से सीधे चलते आना है, यहाँ पर लेज ग्रैब का फीचर यूज़ करके इधर आ जाना है। और गाइस यहाँ से भी एक बार एंगल देख लीजिए, पूरा का पूरा घर आप आराम से स्काउट कर सकते हो घर में क्या चल रहा है, और एकदम यहाँ पर आप प्रोन हो जाइए। प्रोन होने के बाद आप सीधे बम फेंक सकते हो इस वाले घर से, सीधे सामने वाले घर में। मैं स्मोक फेंक के दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। टिप्स नंबर 5 में
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वैसे सबसे ज़्यादा घर देख लीजिए, ये वाला घर जो है जो आपके मिलिट्री बेस के जो पुल के बाहर है, ये वाला घर था आपने देखा ही होगा। यहाँ से मिलिट्री बेस पुल से आपने बहुत बसर करी होगी वहीं पूरा अपने। तो वैसे स्टेशन 5 में क्या है देखा, हमने देखा होगा यहाँ पर रस होता है एकदम भड़ा के, सारे बंदे इतने तुरंत घुसते हैं रस मारने के लिए, अकेले सोलो खेल ले या फिर टीम में खेल लेता हुआ है आपको जल्दी से एकदम, जैसे ही रस हुआ उसके बाद आपको इधर से ना इधर आ जाना, एक जंप लगानी सिंपली आई इधर गाइस। अब बंदे का सोचेंगे फुट स्टेप उनको आएगा साइड से, लेकिन अब जैसे सोचेगा जरूर जो बंदा जो है ऊपर होगा। अब यहाँ पर आप लेट भी सकते हो, आपको अगर किसी बंदे को लगता है तो भाई वो यहाँ बाहर से घूमेगा और सीधे सीधे सिंपली अंदर चले जाएगा और देख नहीं पाएगा। और गाइस फिर आप गाइस जैसे ज़्यादा फुट स्टेप मत दो, यहाँ तो सिंपली खड़े हो जाए आपका पूरा का पूरा अंदर का इलाका आपका पूरा का पूरा बीच वाला सेंटर फ्लोर आपका। और अपने अगर आपको टीम मेट्स उनको सिडनी बैठा दो उसको कवर देना, ठीक है गाइस। आई होप से आपको टिप्स नंबर 5 जो पसंद आई हो। हाँ तो गाइस आई होप से आपको वीडियो पसंद लगी होगी। अगर आपको गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस चैनल लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें। गाइस ये पार्ट 2 था, अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना हो तो गाइस मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, आप गाइस पार्ट 1 भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का, तो गाइस प्लीज़ पार्ट 1 को भी चेकआउट जरूर करें। फॉरगेट बे अपन भूल गए, अच्छे काम करके सोचे साले बाप इनके धुल गए, बाप इनके भूल गए पर बेटा नाराज है, बाप ना मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज है, मैं पागल सा रैपर हूँ ये बात सबको पता है।